उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कद्दूखाल मां सरकुंडा की गोद में पौधारोपण कार्यक्रम में जाने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा मसूरी मंडल की ओर से जेबी बैट टीरी बाईपास रोड पर गुलदस्ता देकर व टीका लगाकर जोरदार स्वागत किया गया व उनके समर्थन में नारेबाजी की गई। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम के बारे में बताया व विगत दिनों में वहां सरकुंडा मंदिर के दर्शन करने गए थे। वहां पर एक जल स्रोत है जिसमें मां सरकुंडा देवी को पानी ले जाया जाता है। उस स्रोत में पानी बहुत कम हो गया है। वही मंदिर परिसर में पूरा टाइल्स लगाकर पक्का कर दिया गया है। इसके कारण पानी जमीन में नहीं रिस पा रहा है, इसे रिसर्च का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। ऐसे में मन को लगा कि वहां पर व्यापक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में भर्ती घोटाला चिंता का विषय है। इसमें जो भी सुयोग्य बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ संकट वाले रिसर्च देने वाले लोग हमारी एजेंसी को प्रभावित कर रहे हैं। माता सुकुंडा मंदिर गया था और वहाँ पर एक जल स्रोत है जहाँ से पानी मंदिर के लिए जाता है। वहाँ पर मैंने देखा पानी उसमें बहुत कम है और ऊपर जो मंदिर परिसर है उसको भी पूरी तरह टाइल्स से उसको पैक कर दिया गया है, यानी कि जो रिचार्ज का सिस्टम था वो कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब हुआ होगा। हमारे मन में आया कि वहाँ पर हमको एक व्यापक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो आज हम वृक्षारोपण की दृष्टि से जो माता सुकुंडा का जो वाटर शेड है उस पर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर भट्ट पीछे अमेरिका से और एक कल्पतरु फाउंडेशन है जो वृक्षारोपण के लिए है और जियो टैगिंग करते हैं एक एक पौधे की, ताकि हम ये देख सकें कि जो पौधा रोपण किया है हमने वो पौधे ठीक से सुरक्षित हैं या नहीं हैं, और अपने मोबाइल पर हम उनको देख सकते हैं कि वो संरक्षित रूप से ठीक से उनका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। वो भी मेरे साथ में है और हमारी एक ट्रस्ट है देवभूमि विकास संस्थान, हम उसके द्वारा आज हम 500 से अधिक वृक्ष वहाँ पर आज रोपित किए जाएंगे, ताकि भविष्य के लिए वहाँ पर जो पानी है और जो हरियाली है वो सुरक्षित रहे। देखिए उस पर जब मेरे मैं सीएम रहते हुए उसके लिए जो डीपीआर थी उसकी वो बन रही है, उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। उस पर फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस थी वो हो चुकी है और 21 स्टाफ इंजीनियरिंग है उसमें, क्लरिकल स्टाफ है, ऐसे वहाँ पर 21 स्टाफ की भी मैंने नियुक्ति कर दी है और उसके प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है। अभी उसके लिए जो धन जो ऋण जो लिया जाना है उसके लिए उसकी प्रक्रिया में, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो हमारी जरूरत भी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।